नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुजफ्फरपुर के लीची बगीचा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुजफ्फरपुर की लीची देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर को लीची का अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 लाख टन लीची पैदा करने की वजह से लीची के बगीचे मुजफ्फरपुर में पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पसंदीदा जगहों में से एक है। बोचाचा, झपाहा और मुशहरारी शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रसिद्ध लीची उद्यान है, जिन्हें देखने के लिए मई से जून के बीच में सर्वाधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। LIC ने इंजीनियर और AAO पद के लिए निकाली रिक्तियां। LIC ने इंजीनियर और AAO के लिए कुल मिलाकर 218 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BE या सिविल में या BTEC या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल या MTEC या ME स्ट्रक्चरल स्ट्रीम में या स्नातक या CA या लॉ ग्रेजुएशन या LLM मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या अंग्रेजी या MCA या MSc इन कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 मार्च तक LIC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। दीघी विहार में एक बार फिर से शहरवासी कर सकेंगे नौका विहार। पटनावासियों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार ने सभी शहरवासियों के लिए एक बार फिर से दीघी तालाब का रास्ता खोल दिया है, जिसके तहत अब शहरवासी भी कभी भी दीघी तालाब में जाकर नौका विहार का लुफ्त उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, तालाब के पास जाने वाले सभी पर्यटक तालाब के पास बने कैफेटेरिया का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही तालाब के पास घूमने वालों के लिए भी फुटपाथ बनाने का ऐलान किया गया है। नीतीश कुमार ने नहीं मानी विपक्षी दलों की मांग। डोमिसाइल नीति को लागू करवाने की जिद पर अड़ी विपक्षी दलों की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राजद की मांग पर साफ कह दिया है कि सरकार डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं करेगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार पहले ही स्थानीय युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 60% सीट दे रही है। इसको और बढ़ाने से बिहार के युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। आरा के मोहनिया सड़क निर्माण पर खर्च होगा 1700 करोड़ रुपया। आरा में शानदार रोड बनाने की जुगत में जुटी सरकार ने सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब आरा से मोहनिया के बीच में बनने वाली 4 लेन की सड़क के लिए सरकार ने सारी बाधाएं दूर कर दी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 125 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए 45 मीटर की चौड़ाई में जमीन के अधिग्रहण का काम सरकार ने पहले ही पूरा करवा लिया था। अब बाकी बचा काम भी जल्द से जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मियों के लिए सरकार ने पेश की एक नई सौगात। सभी रिटायर्ड पेंशन कर्मियों के लिए खुशखबरी, बिहार के सभी पुराने रिटायर्ड कर्मियों को रिविजन पेंशन अब 31 मार्च तक दे दिया जाएगा। आपको बता दें, उक्त ऐलान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधान परिषद में भाजपा के विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव और कृष्ण कुमार सिंह के अनुसूचित प्रश्न के जवाब देते हुए किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि साल 2016 के पहले सभी 53 लाख सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन का लाभ मार्च के अंत तक दे दिया जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दिया जाएगा लेवल 7-8 का वेतन। विधानसभा सत्र के दौरान 5वें दिन भी सदन में नियोजित शिक्षकों का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री डॉक्टर कृष्ण नंदन वर्मा ने भी उनके सवालों का सारा जवाब दिया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने पहले ही नियोजित शिक्षकों की मांग को देखते हुए सेवा शर्त नियमावली जल्द तैयार कर लेने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही अब सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए लेवल 7 और 8 का वेतन जल्द देने का ऐलान भी कर दिया है। मार्च के अंत तक नए डॉक्टर की होगी बहाली। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग की तरफ से डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है और मार्च के अंत तक इस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को अच्छी तरह से समझ रही है और चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर रही है। PVC फ्लैक्स वाली सरकारी पोस्टर अब नहीं लगेंगे बिहार में। केंद्र सरकार ने हाल ही में पोस्टरों को लेकर एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सरकार ने बिहार में सरकार की तरफ से लगवाए जाने वाले पोस्टर और बैनर में PVC फ्लैक्स का इस्तेमाल नहीं किए जाने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने प्लास्टिक के प्रयोग पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार किसी भी समारोह या किसी भी प्रकार के आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए PVC फ्लैक्स के इस्तेमाल से बना पोस्टर ही लगवाती आई है।
अब आइए जानते बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे रतन राजपूत की। रतन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वहीं रतन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसी के तहत उन्होंने बतौर एक्टर अपना करियर बनाने की ठानी और मुंबई के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद रतन राजपूत को पहचान उनके साल 2008 में आई राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी सीरियल से मिली, जिसके बाद रतन ने अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो जैसे कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। इतना ही नहीं, रतन बिग बॉस के 7वें सीजन में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लेटर के तहत दी जरूरी सूचना। बिहार सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में लेटर भेजकर जल जीवन हरियाली की अलग से क्लास रखवाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बिहार के सभी स्कूल अब हर महीने के पहले मंगलवार को 11 से 12 बजे के बीच में जल जीवन हरियाली का पाठ छात्रों को पढ़ाया जाएगा, जिसके तहत इस नई योजना की पहली शुरुआत बिहार के सभी स्कूलों में 3 मार्च से होगी। बजट का तीसरा अनुपूरक प्रस्ताव विधानसभा में हुआ पेश। बिहार विधानमंडल के बिहार सरकार की तरफ से एक और प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार ने साल 2019-20 के बजट का तीसरा प्रस्ताव पेश कर दिया है। पेश किए गए तीसरे प्रस्ताव के तहत बिहार सरकार नली गली पर खर्च करने जा रही है 10 अरब रुपया, वहीं 6983 करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम मद में 1876 करोड़ रुपए स्थापना और करीब 8 करोड़ 76 लाख रुपए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर कसा तंज। इस चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे सरकार पर तंज कसने का। इसी क्रम में सरकार के खिलाफ निकाले गए बेरोजगारी हटाओ यात्रा के अपने गया दौरे पर सरकार पर तंज कसते नजर आए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बताए कि आखिर क्या कारण है कि यहां आईटी कंपनियां आईटी पार्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगवाए गए हैं। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में अब पूछे जाएंगे कुल मिलाकर 10 सवाल। बिहार के लगभग सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट और हैंड डिवाइस से राशि लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत अब लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसके तहत अभ्यर्थियों को यातायात नियमों की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य होगा। आवेदक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में टेस्ट दे सकेंगे। वहीं आवेदकों के पासिंग मार्क्स की बात करें तो आवेदकों को 10 में से 6 सवालों का सही सही जवाब देना अनिवार्य होगा। वहीं जो भी आवेदक पहले टेस्ट में असफल हो जाते हैं, उन्हें दोबारा टेस्ट क्वालिफाई करने का मौका 1 सप्ताह के बाद दिया जाएगा। 80 के दशक की बाइक पर दिखे धोनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों मैदान से भले ही बाहर चल रहे हैं, मगर सुर्खियों में वो नियमित तौर पर देखे जाते हैं। इसी बीच अब महेंद्र सिंह धोनी की एक और तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी 80 के दशक की एक बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। वैसे भी धोनी की बाइक को लेकर दीवानगी किसी से भी नहीं छुपी है। उसी शौक को पूरा करने के लिए धोनी ने अब जो नई बाइक खरीदी है वो कोई नई मॉडल नहीं बल्कि 80 के दशक की यामाहा आरडी 350 राजदूत है, जो कि धोनी रांची की सड़कों पर चलाते दिखाई दिए हैं। नंद किशोर यादव ने पथों के जीर्णोद्धार के लिए किया अहम ऐलान। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बिहार के लगभग 11 जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि विभाग की निविदा समिति ने राज्य के 10 जिलों की 16 योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके तहत अब 138 किलोमीटर लंबी सड़क के जीर्णोद्धार संबंधी काम को करवाया जाएगा। अगर सब कुछ सही चला तो 6 से 8 महीने में सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने रविशंकर प्रसाद पर कसा तंज। बिहार सरकार में एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर भले ही स्पष्टता दे दी गई है, मगर विपक्षी दलों के नेता अभी भी एनपीआर के मुद्दे को राजनीतिक बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला ने रविशंकर प्रसाद को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत रणदीप ने रविशंकर प्रसाद के उस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने एनपीआर के मुद्दे पर सोनिया गांधी से सवाल पूछा था, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश को ज्ञान देने के पहले इसे बिहार में लागू करवा ले, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने एनपीआर के मुद्दे पर अपनी राय रख दी है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना हुआ रिलीज। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के गानों का क्रेज अक्सर देखने को मिलता है। इसी क्रम में अक्षरा का एक और होली स्पेशल भोजपुरी गाना हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका नाम है प्राइवेट रोमांस। अक्षरा के इस नए गाने के रिलीज होते ही यूट्यूब पर काफी तेजी से ट्रेंड होने लग गया है। वहीं अक्षरा ने खुद भी अपने प्रशंसकों से इस गाने को टिकटॉक पर भी ट्रेंड करवाने की अपील की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,880 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,390 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 43,990 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.58 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.16 रुपए प्रति लीटर था।
चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से की एक और मांग। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के सामने अब एक और मांग रखी है, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से 3 दिसंबर को राष्ट्रीय मेधा दिवस घोषित कराने की मांग की है, जिसके लिए चिराग ने केंद्र सरकार को पत्र भी भेज दिया है। ज्ञात हो 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है और चिराग पासवान इसे देश रत्न के प्रति सम्मान के तौर पर बनाने की मांग कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सामने सरकार का पक्ष रख रहे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में विकास का काम सबसे ज्यादा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार के लिए समर्पण बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू का था। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के शासन राज को छोड़ दे तो बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री के शासन में काम नहीं हुआ है। उनके बाद बिहार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखूबी संभाली है। विधानसभा कैंटीन में दिखा तेज ब्रदर्स का भाईचारा। विधानसभा सत्र के लंच ब्रेक में कैंटीन पहुंचे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का भाईचारा देखने को मिला, जहां दोनों भाइयों ने एक साथ बैठकर डोसा खाया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने हाथ से तेजस्वी यादव को खाना भी खिलाया, जिसके बाद इन दोनों की अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगी। अली जफर और ऋचा चड्डा की शादी हो सकती है अप्रैल महीने में। बॉलीवुड के गलियारे में कुछ समय से अली जफर और ऋचा चड्डा के अफेयर्स की गूंज सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय से इन दोनों कलाकारों की शादी के बंधन में बंधने की भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर अब एक नई खबर सामने आई है। खबरों की माने तो अली जफर और ऋचा 15 फरवरी को ही शादी के बंधन में बंधने के लिए फैमिली कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिसके बाद इन दोनों की शादी की संभावनाएं अप्रैल महीने में जताई जा रही है। मैदान में उतरने से पहले धोनी बने पिच क्यूरेटर। जैसे जैसे आईपीएल की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रशंसकों को महेंद्र सिंह धोनी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि साल 2019 के बाद महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में देखा नहीं गया है। मैदान से दूर चल रहे धोनी 29 मार्च को एक बार फिर से मैदान में वापसी करने वाले। वहीं सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसमें धोनी रांची के एक स्टेडियम में अभ्यास के दौरान पिच पर रोलर चलाते नजर आ रहे हैं। धोनी का यह वीडियो ट्विटर पर उनके प्रशंसकों द्वारा शेयर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनमें है संजय प्रसाद, सौरभ यादव, अमरेश चौधरी, दरोगा कुमार, नीरज, देव कुमार यादव, श्रवण कुमार, सुमन मिश्रा, अरविंद कुमार, रंजीत कुमार, ब्रजेश यादव, शालिनी कुमारी, अमित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, तेजस्वी यादव के बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग पर सरकार को सहमति देनी चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।